सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन सेल की प्रिपरेशन के बारे में। और आपने देखा होगा मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी जो है 10 वीडियो लेक्चर्स जो है सेल की प्रिपरेशन को लेके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे सभी ये लेक्चर्स के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस को वॉच नहीं किया तो उन सभी वीडियोस के जो पार्ट की जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपने अगर सभी पार्ट वॉच नहीं किए तो आप सभी पार्ट्स को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगेन हम जो है सेल की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी 17th December को जो है मैंने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट मैंने डाला था, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम किसी बार को -5 degree पे अगर उसको हम ठंडा करें कूल करें तो उस कंडीशन में जिसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा या जनरेट होगा। तो इस क्वेश्चन पे जो 119 कैंडिडेट ने जो है वोट किया है। कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर जो है 71% कैंडिडेट ने जो है वोट किया है। और जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है उसके ऊपर 16% कैंडिडेट ने वोट किया है। शेयर स्ट्रेस के ऊपर जो है 3% कैंडिडेट ने वोट किया है। और जो आपका नो स्ट्रेस है उसके ऊपर जो है 11% कैंडिडेट ने जो है वोट किया है। तो इसका जो राइट आंसर वो ये है कि यदि हम किसी बार को जो है -5 degree पर या फिर -5 degree Celsius के टेम्परेचर पर अगर उसको हम ठंडा करते हैं तो उसके अंदर जो है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। तो 16% कैंडिडेट ने जो है जिन्होंने वोट किया है टेंसाइल स्ट्रेस पे उनका राइट आंसर है। तो हम किसी बार को अगर -5 degree टेम्परेचर पे अगर उसको ठंडा करते हैं तो उसके अंदर जो है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जिन्होंने जो है 16% कैंडिडेट ने जो है टेंसाइल स्ट्रेस पे वोट किया है उन्होंने बिल्कुल सही वोट किया, उनका राइट आंसर है। चलिए, तो आज ही मैंने अपने YouTube चैनल पे जो है एक और नया पोस्ट मैंने डाला है। उसमें मैंने मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा रेलवे एक्सेल जो बॉक्स होता है उसमें कौन सी बेयरिंग यूज की जाती है। तो पहला ऑप्शन मैंने उसमें दिया हुआ है कि डीप ग्रू बॉल बेयरिंग। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है डबल रो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। थर्ड ऑप्शन मैंने उसमें दिया हुआ है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। और जो फोर्थ ऑप्शन मैंने उसमें दिया हुआ है वह सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। तो आपका जो भी इसमें ऑप्शन आपको सही लगता है, क्या इसका राइट आंसर लगता है आपको, आपको इस क्वेश्चन पे जाके वोट करना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको इसका आंसर जो है बताऊंगा। तो जरूर आप इस पोस्ट पे इस क्वेश्चन पे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करें और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेल की प्रिपरेशन को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में जो है आज की वीडियो में टेक्निकल क्वेश्चंस का मैं लेके नहीं आया हूँ। आज की वीडियो में जो है मैंने ये सेल के जो जनरल नॉलेज के जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पीछे प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस है ये ऐसा नहीं खाली जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं खाली उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए भी है। तो ऑल स्ट्रीम्स डिप्लोमा की जितनी स्ट्रीम्स जो कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के लिए अप्लाई कर रही है उनके लिए भी है। और जो ITI ट्रेड्स के जितने भी फील्ड से जितनी भी स्ट्रीम से बुलाया गया अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन उनके लिए भी है। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को देख के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे और बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो लिंक है वो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो डायरेक्ट उस लिंक पे जाकर के उस पर क्लिक करके जो है उन क्वेश्चंस को जो है देख सकते हैं। और या फिर आप जो मेरी वेबसाइट www.learningengineers.com जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी जाकर के आप वहां से जो है क्वेश्चंस की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको आप डाउनलोड करके जो है उन क्वेश्चंस को सेव करके और उन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ हेल्प और सपोर्ट आपको कर पाया हूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।